This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volka Foods International, and Al Karim Builders and Dhareja Group of Academies. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. प्रोग्राम जरी टाकरा और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ भट्टी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुनीर शाहीन साहब, जो कि बानी और मरकज़ी चेयरमैन हैं काशकार फाउंडेशन पाकिस्तान के। हम काफ़ी अर्सा से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कई प्रोग्राम हो चुके हैं मुख्तलिफ़ मौजूआत पे, ज़राअत के हवाले से। ज़्यादा जो गुफ्तगू हुई है वो कपास के ऊपर हुई है। कपास चूँकि हमारे मुल्क की एक कैश क्रॉप है और हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो पिछले साल इसका फेल्योर नाकामी और इस साल उसकी कामयाबी, ये दो चीज़ें बिल्कुल अपोज़िट थीं। तो कपास की इब्तदाई सूरत हाल में उस वक़्त लोगों की जो आरा थीं बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, और इसका जो एंड हो रहा है उन लोगों की आरा आज तब्दील हो रही है। मगर मुनीर शाहीन साहब की जो शुरू आज तकरीबन डेढ़ महीना पहले जो राय थी वो आज भी कायम है, बल्कि उनकी गुफ्तगू जो सुनी गई उसमें से फिक्र निकाल निकाल कर आज के जो तज़ियाकार हैं वो अपने मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं या अखबारात हैं या रसायल हैं उसमें वो उनको फिट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसकी कामयाबी का सेहरा किस स्टेक होल्डर के सर है, ये आज हमारा एक बर्निंग क्वेश्चन है, ताकि हम अपनी समत ठीक कर सकें अपनी कपास के हवाले से अगले सालों में। तो जनाब मुनीर शाहीन साहब से ये एक क्रिटिकल किस्म का सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी अभी इस वक्त क्या राय है, इसकी कामयाबी का सेहरा किसके सर है। आज से तकरीबन डेढ़ माह पहले अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इस सेहरे की छीना झपटी शुरू हो गई है। बिल्कुल कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, तो वही सूरत हाल है जो हमने कही थी, क्योंकि हमारी हालात पे नजर होती है। अब सूरत हाल ये है कि भट्टी साहब, जिंदगी में जब भी बुहरान आता है ना जी, तो वो बहुत सारे पर्दा नशीनों को बेनकाब करके जाता है। सही बात। जिंदगी में, दुनिया में जब भी कोई बुरा वक्त आया किसी शोबे पे, किसी बंदे पे, किसी मुल्क पे, तो बहुत सारे लोगों को बेनकाब करके जाता है, बहुत सारी चीजों को बेनकाब करके जाता है। इत्तेफाक है, क्योंकि वो हकीकत सामने आती है, इतने सामने आती है। कपास का बहरान भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को बेनकाब करके जा रहा है। बड़ी बात की आपने। अब जो चीजें या जो लोग बेनकाब हो रहे हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चेहरे सामने ना आए। सही। जिन लोगों ने आज तक किसानों के सामने, ब्यूरोक्रेट के सामने, वुजरा के सामने और उन मुक्तदर शख्सियात के सामने जो बीन बजाई, जो उन्हें बातें सुनाई, जो उन्हें हालात दिखाए, आज कपास का जो ये 2021 का मौसम है जी, ये इस तरीके से कपास बहाल हो रही है कि वो सारे अल्फाज, वो सारे जुमले, वो सारे नैरेटिव, वो सारे फलसफे, वो
वो सारे जबरदस्त हो रहे हैं। और एक तबके को खौफ इस बात का है, बल्कि एक तबके को नहीं, बहुत सारे तबकों को खौफ इस बात का है कि जो हमने एक फजा कायम की हुई थी, एक हवा बनाई हुई थी, एक माहौल बनाया हुआ था पाकिस्तान में, अब वो हमारी जो कैफियत पैदा हुई हुई थी अब वो खराब हो रही है, वो तब्दील हो रही है। अब ये उसको संभालने के लिए कि जाहिर है कि अफसरान तो वही हैं, लोग भी वही हैं, तो अगर हमारा नैरेटिव जो पिछले 8-10 साल से हम लेके चल रहे हैं अगर वो पिट गया तो हम उन लोगों के पास दोबारा कैसे जाके बैठेंगे? वो समझ जाएंगे कि आपने तो हमें गुमराह किए रखा, आपने तो हमें झूठ बोला, आपने तो हमसे हमारे साथ गलत किया नहीं। भट्टी साहब, मेरे इल्म में ये बात है कि साल 2021 में भी कुछ सरकारी लोग और कुछ प्राइवेट लोग सेक्रेटरी ज़रात और वजीरे ज़रात को ये मुसलसल कहते रहे कि जनाब इस साल तो कपास नहीं बचेगी, इस साल तो सर कपास नहीं बचेगी, तबाह हो जाएगी। लेकिन कपास बहाल हो गई, कपास ज्यादा हो गई। अब वहां दो सूरत हाल पैदा हो गई कि जो वो सरकारी अफसरान, जाहिर है वो महकमा ज़राअत से तल्लुक उनका है, वो कहते रहे जिस साल तो कपास तबाह हो जाएगी, लेकिन कपास तो बहाल हो गई, 100% 99% हुई तो 100% हुई। बिल्कुल सही बात, इस वक्त 100% पिछले साल की निस्बत ज्यादा कपास हुई है। तो अब वो परेशान है कि जो हम अफसरान को कहते थे कि कपास तो नहीं होगी, कपास तो खत्म हो जाएगी, कपास नहीं होने वाली, तो अब उन्हें हम क्या मुंह दिखाएंगे? अब उन ब्यूरोक्रेट्स को, उस मिनिस्टर को, मियां हुसैन जहानिया गर्देजी साहब जो हमारे वजीर ज़राअत हैं, उन्हें भी कहा गया, लोगों ने उन्हें भी कहा कि जी कपास नहीं होगी इस दफा, कपास तो तबाह हो जाएगी। अब परेशानी उन्हें इस बात की है कि जिन लोगों को हमने कहा, अब वो वजीर ज़राअत साहब या वो सेक्रेटरी साहब क्या सोचेंगे कि यार ये तो कॉम्पिटेंट लोग थे, उनकी राय ये थी, यार ये तो बहुत तजर्बाकार लोग थे, हम तो इनसे मशवरे लेते थे, तो इनकी राय को क्या हुआ, ये कल तक तो कहते थे कपास हमारी तबाह हो रही है, तो आज ये बहाल कैसे हो गई? अब वो अपनी उस नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहते हैं तो अल्लाह ताला का करम है जी, वैसे ही हो गई, वरना हालात तो कोई नहीं थे। जो सवाल आपने किया है ना जी, ये सवाल आज मैं कहता हूं कि दो तबकों के लिए होगा। अच्छा, एक हमारे फार्मर के लिए और एक हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए। अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा, ये दो तबके इस प्रोग्राम को सुने और तज्जिया करें कि आप दोनों तबकों के साथ जो हमारे जो अपने आप को एग्रीकल्चर एजेंट कहते हैं, जो अपने आप को जनाब बड़े खैरखा कहते हैं किसानों का, उन्होंने आज तक किसानों के साथ क्या किया और उन्होंने आज तक ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या किया। भट्टी साहब, ब्यूरोक्रेसी को इनका तरीकाकार क्या होता है? ब्यूरोक्रेट आता है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, बैठा, उसने अपनी टीम बुलाई, हाँ जी बताएं ये मसला है कैसे करना है, तो ये देखते हैं कि अगर तो सेक्रेटरी ज़राअत ने इनके कहने के ऊपर वो मुतमैन हो गया और उसी तरह कर दिया जैसे ये कह रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल हो जाएंगे
और अगर ये देखेंगे कि ये सेक्टी जरा ओवर क्लेवर है, कॉन्शियस है, समझदार है और ये मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा, मुझ पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर ये उसे खौफ ज्यादा करेंगे कि इन्होंने कई सेक्टी भुगताए होते हैं। ये एक सीट पे बंदा 10 साल बैठा है तो जाहिर है 10 साल में उसने 10 सेक्टी के अपना उसने हैंडल कर लिए, कई मिनिस्टर हैंडल कर लिए, तो वो एक्सपर्ट होता है, उसे पता होता है कि मैंने एक ब्यूरोक्रेट को कैसे चलाना है। ब्यूरोक्रेट का प्रॉब्लम ये है कि वो मोहतात बहुत ज्यादा होता है। इस कमजोरी का जो आगे टेक्निकल बंदा बैठा है जो अपने आप को एग्रीकल्चर एजेंट कहता है, वो इसकी ब्यूरोक्रेट की कमजोरी को समझ रहा होता है। अगर ब्यूरोक्रेट थोड़ा सा समझदारी की कोशिश करे या चीजों को देखने की कोशिश करे या कोई अपनी मर्जी लागू करने की कोशिश करे तो ये उसे खौफ ज्यादा करके मोहतात कर देते हैं कि जनाब ऐसे ना करें, ये तबाह हो जाएगी। सही। इस दफा कपास के साथ भी ऐसे किया। सही। यही कहा गया कि जनाब ये देखें ये जो आईपीएम आपने लागू करवाया है ये कपास तो तबाह हो जाएगी। आईपीएम की इम्प्लीमेंटेशन को खत्म करवाने के लिए खौफ ज्यादा किया गया ब्यूरोक्रेट को भी और मिनिस्टर को भी कि जनाब कपास तबाह हो जाएगी इस तरह, ताकि ये खौफ ज्यादा हो के तो ये कह दें यार ठीक है जैसे आपने करना है आप करें, लेकिन संभालें आप, ये कपास खराब नहीं होनी चाहिए, ताकि सारे का सारा अख्तियार फिर उसके पास आ जाए, वो अपनी मर्जी से वो शुगर मिल मालकान के साथ खेले, वो पेस्टिसाइड सेक्टर को साथ मिलाए, वो जो मर्जी इंजॉय करे उसे पूछे कोई। ये फौरी तौर पे खौफ ज्यादा करके ब्यूरोक्रेट को पीछे धकेल देते हैं ताकि ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी ना करे, या मर्जी करे कहते जी ऐसे तबाह हो जाएगी, अच्छे वो फौरन मुहताज हो जाता है। आज तक जितने भी सेक्टरी आए हैं उनके साथ यही कुछ हुआ है। जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब है साकिब अली अतील साहब, इसका ये प्रॉब्लम है। आज आप देख रहे हैं कि ये साकिब अली अतील साहब तनकीद का निशाना बन रहे हैं, खसूसन जो पेस्टिसाइड सेक्टर है उसके हाथों। तो ये क्यों बन रहे हैं? सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि इन्होंने टेक्निकल टीम से मशवरा तो लिया लेकिन किया वो जो इनका जिनके जो इनके अपने जहन में आया, जो इनको खुद समझ आया, इन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाया। इसके हाथ पांव नहीं फूले, सेक्टी साउथ के हाथ पांव नहीं फूले। खौफ ज़दा इन्हें भी किया गया कि काटर नहीं बचेगी, आप आईपीएम लागू कर रहे हैं कापर काटर नहीं बचेगी, लेकिन इसके थोड़े अजाब मजबूत थे, इसके हाथ पांव नहीं फूले। ये पीछे हटने की बजाय, बैकफुट पे जाने की बजाय, इसने उनका असर इस तरह लिया कि ये फील्ड में चला गया। ठीक है जी। तो इस लिहाज से जो इनका एक तरीकाकार था रिवायती ब्यूरोक्रेट को काबू करने का, वो इनका नाकाम हो गया। ठीक है जी। जी जी। तो ये तो एक वो पस मंजर मैं बताना चाह रहा था जो आज तक ब्यूरोक्रेट के साथ होता रहा है और मुक्तदर जो हस्तियां हैं फैसला साथ उनके साथ होता रहा या किसान के साथ होता रहा। सही। अब चूंकि कपास बहाल हो गई, अब देखें हम इस पे बात करें या ना करें, हुकूमत इस पे बात करेगी, किसान इस पे बात करेगा। अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि कपास खराब क्यों हुई और कपास बहाल कैसे हुई। ये बहुत इस वक्त लोहा इंतहाई गर्म हो चुका है। आपने देखा कितनी शानदार और हसास मौजू है, इस पे गुफ्तगू जारी है, तो इसको जारी रखते हुए दरमियान में एक हम छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, एसएम फूड्स,
वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल करीम बिल्डर्स एंड घरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा जो इंतहाई हसास प्रोग्राम इस वक्त जारी है, उसकी गुफ्तगू आपने वक्फे से पहले सुनी होगी, तो दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तो इस सवाल और उसके जवाब में जितनी शिदत और उसकी अहमियत है, उसको जारी रखते हुए मैं दोबारा मुनीर शाहीन साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि हमें वो इस बात से आगाह करें कि कपास की बहाली के असल जो स्टेक होल्डर हैं वो कौन हैं और उनके खिदमात को सराहा जाए। जी भट्टी साहब, बात को वहीं शुरू करते हैं कि सेहरा किसके साथ है, कपास के साथ क्या किया गया, कपास कैसे बहाल हुई और इसका सेहरा किसके साथ है। सर, पिछले 10 और 12 साल से जी बतदरीज कपास की प्रोडक्शन कम हो रही थी। बिल्कुल सही, हर साल कपास की फसल कम होती, हर साल कम होती, हर साल। आखिर 2020 ऐसा साल आ गया कि आप डेड लेवल पे आ गए, चीखें पड़ गई, लोग मुंह छुपाने लगे कि जनाब अब ये कौन कहे कि ये इसकी तबाही की वजह कौन है। तो 2021 में एक चीज सिर्फ तब्दील की गई, सिर्फ एक चीज, वो थी IPM। उसको लागू करने की, मुकम्मल लागू नहीं हो सका, लेकिन उसको लागू करने की कोशिश की गई। इब्तदा ये की गई कि कपास के पहले 90 दिन तक, 3 महीने तक पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कराएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां देखें, अब ये कहते हैं कि जी मौसम अच्छा था जी, ये तो अल्लाह भाई, मौसम अच्छा था या अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, तो इस बात से कौन इनकारी है ना, हम इस बात से इनकारी है ना, किसान इस बात से इनकारी है ना, महकमा ज़राअत इस बात से इनकारी है ना, दुनिया का कोई और बंदा इस बात से इनकारी है कि अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल थी तो कपास बहाल हुई, ठीक है। अब ये जितने बार बार कहते हैं ना जी कि कपास मौसम की वजह से बहाल हुई, ये जितने लोग कह रहे हैं, इनका पसे मंजर देखें, फार्मर भी देखें, ब्यूरोक्रेट भी देखें, और जो मुक्तदर हस्तियां हैं वो भी देखें, ये जुमला जो जो लोग कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड पेस्टिसाइड का है, उनके पीछे जो उनका पीछे अपना मंजर है ना, मंजरनामा, वो पेस्टिसाइड है। अब पेस्टिसाइड को क्या चोट पहुंची 2021 में कि IPM लागू होने का मतलब है कि कम अज कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके आप कपास की परवरिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, अगर तो कपास हो जाती बर्बाद तो फिर तो ये कह सकते थे कि जनाब देखा, पेस्टिसाइड को आपने निकाला और कपास बर्बाद हो गई, बड़ी लॉजिक है इस बात। अब इस बात में ये लॉजिक थी कि जी देखो, आपने पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कर होने दी 90 दिन, तो कपास बर्बाद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पेस्टिसाइड 90 दिन रोकी गई, कपास बेहतर हो गई। अब इनके पास जो पेस्टिसाइड सेक्टर है या पेस्टिसाइड की फेवर करते हैं लोग, मुखालफ हम भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं, हम जो अल्लाह ताला का निजाम है
चीजों को मुतवाजन रखने का हम कहते हैं मुतवाजन रखें, हद से ना बढ़े, बिल्कुल सही, तवाजन कायम रखें, बैलेंस रखें, लिमिट क्रॉस ना करें। हम ये कहते हैं मुखालिफ हम भी नहीं, लेकिन जो हर लिहाज से पेस्टिसाइड को बालादस्त देखना चाहते हैं, मैं उस तबके की बात कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं, अब उनके पास ये बात तो करने के लिए नहीं बची कि जी देखा पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हुई तो कपास खराब हो गई, कपास तो ठीक हो गई। अब उन्हें तकलीफ इस बात की है कि अगर हमने जो रिकमेंडेशन महकमा ज़राअत थे दिलवाई और महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन के जरिए हमने आज तक 10 साल पेस्टिसाइड बेची, अगर ये महकमा ज़राअत को समझ आ गई या अफसरान को समझ आ गई कि पेस्टिसाइड कम होने से कपास बची है तो अगले साल हमारी रिकमेंडेशन कौन देगा, हमारा प्रोडक्ट महकमा ज़राअत नहीं बेचेगा, ये तो महकमा ज़राअत के हाथों प्रोडक्ट बिकवाते रहे। अब ये वो नहीं कहते, अब ये गैर महसूस अंदाज में ये आईपीएम की मुखालफत करते हैं कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, महकमा ज़राअत की नहीं है, क्योंकि महकमा ज़राअत ने आईपीएम लागू किया। अब कहते हैं ये उसका कोई कमाल नहीं है, ये कमाल है अल्लाह का, अल्लाह का तो भाई कमाल है, ऐसे तो कोई शक नहीं है। सही बात है। अब देखिये जो बहुत सारे प्रोग्रामों में ये 7 अक्टूबर को जो कॉटन डे मनाया गया उससे बहुत सारी शख्सियात ने, अहम शख्सियात ने स्पीच की, उसमें एक शख्सियत ने ये भी कहा कि जी सेक्टरी ज़राअत को अपॉइंट न किया जाता तो यहाँ डीजी को अपॉइंट कर दिया जाता महकमा ज़राअत के, महकमा ज़राअत की आधी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, महकमा ज़राअत के जनाबे वाला अपना बहुत सारे मुलाजम जो है वो सीटों पे तैनात होने चाहिए, फेवर कर रहे थे ना महकमा ज़राअत की, और साथ ही वो कह रहे थे कि जनाब ये तो सारा जो कमाल है कपास की बाली का ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, तो हवा चली है, दखन चला है और उसकी वजह से बहाल हुई है। वहां वो महकमा ज़राअत की दिन रात की जो काविशें थी, मेहनत थी, उसकी नफी कर रहे हैं, एक तरफ उसकी हिमायत कर रहे हैं, साथ उसकी मेहनत की नफी कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर महकमा ज़राअत पेस्टिसाइड रिकमेंड करे तो फिर तो उसकी कारकर्दगी अच्छी है, अगर महकमा ज़राअत आईपीएम लागू करे तो फिर वो जाहिल है, वो महकमा ज़राअत नाकस कारकर्दगी है, फिर उसका कोई काम नहीं है, फिर उसे तरीका नहीं आता, फिर वो किसानों की खिदमत नहीं करता, फिर उसने कुछ भी नहीं किया। मुझे जो आपकी सारी माशाल्लाह टेक्निकल और साफ सुथरी गुफ्तगू में बात समझ आई है वो ये है कि कपास हमारी 12-14 साल से जो मुतवातर डिक्रीज़ हो रही थी प्रोडक्शन, उसके अंदर पेस्टिसाइड में तो इस्तेमाल में तो कमी नहीं आई, तो बढ़ती गई उसकी तादाद, उसकी मकदार उसकी बढ़ती गई और पैदावार कम होती गई। ये पहला साल है कि जिसके अंदर कपास ने फिर सर उठाया पैदावार ने। ये जो मौजू है इसके अंदर जो मेन चीज़ जो दूसरे लोगों की तरफ से आ रही कि मौसम, क्या 12 साल पिछले जो गुजरे हैं उसमें ऐसा मौसम कभी मौसम नहीं आया था? कई दफ़ा आया है तो उसमें तो फिर पैदावार नहीं। अगर जो मेन चीज़ तब्दील हुई है वो है आईपीएम। मैं बतौर एक एंटमोलॉजिस्ट के और 38 साल तजर्बे के साथ मैं भी इस बात पे इत्तेफाक करूँगा कि महकमा ज़राअत का ये जो एक्शन है और आईपीएम की जो एप्लीकेशन है इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, इसका बहुत बड़ा किरदार है, काफ़ी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी मुतवातर हुआ लेकिन उसकी टाइमिंग में फ़र्क आता रहा। जैसे शुरू में डिले हुई स्प्रे, उससे क्या हुआ कि पेस्ट जो है वो एकदम जो है ना उसको स्ट्रेस नहीं आया, वो उसके अंदर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट थे
उनको भी खाने का मौका मिला। और इस तरीके से जो पेस्टिसाइड है इसका बैड इम्पैक्ट होता है सेल सैप के ऊपर, पौधे के ऊपर, पौधे की जो जान है वो निकल जाती है। ये एक तरह की कीमोग्राफी है, ये जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है पौधे की अपनी हेल्थ के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर है। अब हेल्थ के वही शुरू के आयाम थे, उसके अंदर उनको कीमोग्राफी यानी एक तरह की नहीं हुई, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल ना होने की वजह से उसको बढ़ने का मौका मिला। और साथ आईपीएम जब वो हुआ तो आईपीएम का जो रिलेशन है वो पौधे के सेल साइप के साथ मुताबकत रखता है जी। इस तरीके से पौधा वो हेल्दी हुआ, मौसम भी अल्लाह ने साथ दिया और ये एक तरह का एक ऐसा एनवायरनमेंट बना कि जिससे पौधे ने अपनी पूरी जो सलाहियत थी उसने पैदावार निकालने में लगा दी। अब भट्टी साहब एक चीज की ना वजाहत कर दूं जो ये दोस्त खुद नहीं कर सकते वो मैं वजाहत कर देता हूँ। ये जो दोस्त कहते हैं ना कि जी मौसम की मेहरबानी है, वो महकमा ज़रात की कारकर्दगी को तस्लीम नहीं करते, वो आईपीएम को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कपास महकमा ज़रात की मेहनत के बगैर और आईपीएम के बगैर बहाल हुई है। दरअसल वो ये नहीं कह सकते, वो पेस्टिसाइड का नाम लेके तहफ़ नहीं कर सकते पेस्टिसाइड के बिजनेस का, मकसद उनका यही है जी जी बिल्कुल। अगर आप आईपीएम को दरमियान से निकालते हैं, आईपीएम का क्या मतलब है कि पेस्टिसाइड का कम से कम स्प्रे करें, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें, उसमें पेस्टिसाइड का इनकार तो नहीं है ना? इनकार तो नहीं है, हम भी नहीं करते। बिल्कुल सही। हमारा मैं वाजे करता चलूं भट्टी साहब, मैं अपनी जात की बात करता हूँ, हमारा मौकफ क्या है। हमारा मौकफ ये है कि जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है पेस्टिसाइड का और बेतहाशा इस्तेमाल है उससे कम किया जाए। बिल्कुल सही बात। नॉन रिकमेंडेड जो पेस्टिसाइड है उसे ना किया जाए, कि भिंडी तोरी की आप पेस्टिसाइड कपास पे करवा रहे हैं, कपास की आप जनाब मकई पे करवा, ये ना करें। जिसके लिए वो दवाई सॉरी जहर तैयार की गई है वो उसके लिए इस्तेमाल करें, दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना करें। एक सवाल मेरे जहन में आता है ये सारी गुफ्तगू के बाद जी, कि आईपीएम का ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है जितना भी हुआ है वो पंजाब के निचले हिस्से में, निचले जो अजला हैं 18-20 इसके अंदर हुआ है। अब देखा जाए तो इसका रिजल्ट अच्छा आया और कपास की बहाली हमें नज़र आई, लेकिन ये जो बहाली है ये सिंध में भी नज़र आई मगर वहाँ आईपीएम नहीं है, तो ये एक सवाल जो है जहन में बनता है। मुझे आपसे सर बिल्कुल बिल्कुल बनता है, और ये इतनी लंबी चौड़ी ये गुफ्तगू और इतना लंबा चौड़ा सवाल है जो आपने छेड़ा है कि इसको जवाब देते 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 ये आधा घंटा जो प्रोग्राम का होता है ये बड़ा थोड़ा हो जाता है। चलो उसके सीधा पॉइंट बताएं। अच्छा उसमें ये है कि ये सवाल भी पेस्टिसाइड सेक्टर का है, जायज सवाल है, बिल्कुल मुनासिब सवाल है उनका कि पंजाब में तो आईपीएम लागू था, अगर हम ये समझते हैं कि आईपीएम की वजह से कपास बहाल हुई तो सिंध में तो आईपीएम नहीं था, वहाँ पर पैदावार अच्छी कैसे होगी। बिल्कुल सही, बहुत मुनासिब और जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब समझते वो भी हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। अच्छा इसका सर अब चीज़ें आहिस्ता 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 खुल रही हैं, सामने आ रही हैं जी। बिल्कुल ठीक है। आईपीएम से मुकम्मल तौर पे कपास बहाल नहीं हुई, मैं भी मान लेता हूँ कि सारी वजह आईपीएम नहीं है, लेकिन आईपीएम कपास बहाली का एक अमल ज़रूर है। ये बड़ा शानदार, बहुत अच्छा। दूसरे असबाब में से एक सबब ज़रूर है, कोई शक नहीं। आप कपास बहाली में से आईपीएम के लफ्ज़ की नफी नहीं कर सकते। खूबसूरत बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और एक बहुत बड़ी एक बात सामने आ रही है, और भट्टी साहब जब वो आएगी ना ये धमाका होगा। अच्छा। किसानों की आंखें खुलेंगी, इंतजामिया की आंखें खुलेंगी और बहुत सारे लोगों की आंखें बंद होंगी।
अच्छा, आपके पाकिस्तान में नॉन अप्रूव्ड कॉटन वैरायटी का भी बड़ा अमल दखल है। अच्छा, हमें इस बात का कब अदराक हुआ? हमें तब हुआ क्योंकि हम भी तो सोच रहे हैं ना कि आखिर वजह क्या है। हमने कुछ सारी कोई महकमा ज़रात की खुशामद थोड़ी करनी है कि जनाब महकमा ज़रात ने कमाल कर दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। मतलब हम कोई मुलाजम थोड़ी हकीकत है, वो भी उनकी मेहनत हमारे सामने है, लेकिन और भी अवामल हैं। एक लेटर लिखा जनाब फूड सिक्योरिटी के इदारा ने अप्टमा को, जो टेक्सटाइल मिल मालकान की यूनियन है। ठीक है, ये रिटर्न में मौजूद है। ये कोई बंदा कहे ना मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटर्न में मौजूद है। अगर ये लेटर किसी ने देखना हो तो अपना सैयद फखर इमाम साहब के दफ्तर पे जाके देख सकते हैं या अप्टमा से जाके पूछ सकते हैं। वो लेटर क्या था पट्टी साहब, इस साल की बात है। वो लेटर ये था कि जनाब पाकिस्तान के 70% कपास के इलाके में एक वैरायटी है मेरे ख्याल बताता हूँ, वो नॉन अप्रूव्ड है, नॉन अप्रूव्ड वैरायटी है जी, तो SS-32। अच्छा, SS-32 ये जहानिया के एक बंदे की वैरायटी है। अच्छा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट लिख रहा है जी फूड सिक्योरिटी अप्टमा को कि जनाब पाकिस्तान के 70% रकबे पे SS-32 लगी हुई है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अगर तो ये आपके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है तो हम इसे रजिस्टर्ड करवाएं, अगर पूरा नहीं उतरती तो हम इसे बैन करें। ठीक, तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के 70% रकबे के ऊपर कपास जो काश्त हुई है इसमें वैरायटी SS-32 शामिल थी जो नॉन अप्रूव्ड थी, जिसे पाकिस्तान के इदारों ने रिजेक्ट कर दिया था, बेकार समझ के निकाल दिया था कि ये तो रजिस्टर्ड होने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, तो सारे कपास बहाली की एक वजह यह भी है कि जिन वैरायटियों को आप नाकस समझ के रिजेक्ट कर रहे हैं वो वैरायटियां आपकी कपास बहाली का सबब बन रही हैं। बड़ी बात है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये एक पेपर मेरे पास है, ये देख लेंगे, इसमें वैरायटियां जो अप्रूव की गई हैं, ये बहुत अपना जबरदस्त बात है। जरा किसान भाई भी हमारे सुन लें और हमारे ब्यूरोक्रेट भी सुन लें और हमारे जो हुकूमत के बड़े इदारों में बैठे हैं फैसला साज वो भी सुन लें कि ये जनाबे वाला वैरायटियों की लिस्ट है जो अप्रूव की गई है, और कपास तबाही की भी एक सबब सुन लें कि उसमें ये भी शामिल है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे प्राइवेट वैरायटियां हैं जी। इनकी यील्ड है, इनकी पैदावार है 19.28, 15.96, 14.76। इनकी पैदावार 19 मण फी एकड़, 15 मण फी एकड़, 14 मण फी एकड़, बहुत कम है। इन वैरायटियों को रिजेक्ट कर दिया गया और जो वैरायटियां पास की गई उनकी पैदावार है जी 2 मण। अच्छा, 3 मण, 3.31, 2.71, 2.11। जो वैरायटियां हमारी हुकूमतों ने पास करके और काश्त करवाई फरोख्त करवाई उनकी पैदावार 2 मण है, 3 मण फी एकड़ है, उनको मंजूर कर दिया गया। और जिनकी पैदावार 19 मण है उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मैं समझता हूं कि एक कपास की तबाही की वजह सबसे बड़ी ये भी है।
हुकूमत को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, हमारी कपास ऐसे नहीं बर्बाद हो गई, इसको बड़ा जोर लगा के और बड़ी कोशिश करके तबाह किया गया। भट्टी साहब बहुत बड़ी बात, आप जो आपने पहला सवाल किया था कि कपास की जो अपना बहाली है इसका सेहरा किसके सर जाता है, कपास का सेहरा आईपीएम के सर भी जाता है। मैं कह रहा हूं ना चैनल पे बैठ के, मैं अपना मौकफ पे डटा हूं कि आईपीएम पे जाता है इसका क्रेडिट बिल्कुल, और जो नॉन अप्रूव्ड वैरायटियां हैं उनके सर पे भी सेहरा जाता है कपास बहाली का। बड़ी बात, जो अच्छी पैदावार दे रहे हैं, जो ये सारे जो ये सारे लगे हुए हैं कि जनाब अपना मौसम अच्छा था, ये आए ना चैनल पे बैठ के कहें कि कपास बहाली की वजह पेस्टिसाइड है, कहें आके। मौसम तो दूसरी वैरायटियों के लिए भी था। हम भट्टी साहब जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कपास की बहाली की एक वजह आईपीएम है। सही, कपास बहाली की एक वजह नॉन अप्रूव्ड वैरायटियां हैं, और भी अवामल हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। तो जो पेस्टिसाइड का दिफा कर रहे हैं भाई, वो आए ना, आए किसी चैनल में बैठ के कहे कि कपास की बहाली की वजह पेस्टिसाइड है, क्यों नहीं कहते? कभी बात को उठा के ले जाते हैं जनाब अपना मौसम पे, कभी कहते हैं दक्खन, कभी कहते हैं फलां, आप कहे ना बात खोल के कि पेस्टिसाइड है, क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल भट्टी साहब दे देता हूं, अगर जस्टिफाई क्यों करना चाहे तो हमारा ये चैनल भी हाजिर है, जब कोई चाहे हमारे प्रोग्राम में आ जाए। बड़ी बात, जो मेरी बात की तर्दीद करता है ना, मैं उसे ऑप्शन देता हूं कि वो अगले प्रोग्राम में हमारे साथ आ जाए, हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ बैठ के बात करें, ताकि मेरे साथ उसका मौकफ भी किसानों के पास जाए, हुकूमती इदारों के पास जाए, और वो फैसला करें कि कौन क्या कह रहा है। भट्टी साहब 2020 में तो आईपीएम नहीं था जी, 2020 पे आईपीएम नहीं था ना? बिल्कुल ठीक है। जब 2020 में आप याद करें, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है, सेमिनारों में, बातों में, वीडियोस में, रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि जब 2020 में कपास तबाह हुई तो पेस्टिसाइड सेक्टर ने और दूसरे जो सीड का जो तबका है, इन्होंने कहा था कि जनाब ये तो एनवायरनमेंट का मसला है, ये तो मौसम की वजह से, ये तो ह्यूमिडिटी की वजह से कपास तबाह हो गई। इन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि कपास की तबाही का सबब मौसम है। सही। जो 2020 में कहते थे कि कपास की तबाही का सबब मौसम है, आज वो कह रहे हैं कि कपास की बहाली का सबब मौसम है। तो जनाब अगर हमारे कपास ने मौसम की वजह से तबाह होना है और मौसम की वजह से बहाल होना है, तो भाई हमारा फार्मर 20-20 पेस्टिसाइड के स्प्रे क्यों करता है? उसे नहीं करने चाहिए। बड़ी बात है भट्टी साहब, अगर कपास की तबाही और बहाली की वजह मौसम है, तो भाई वो जो आप इतने खर्चे करवा रहे हैं, या महकमा ज़राअत अपनी रिकमेंडेशन में जनाब जो पेस्टिसाइड लिख के देता है, ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आप किसानों के ऊपर? आप उनकी फी एकड़ जो पैदावार बढ़ा क्यों रहे हैं, अखराजात क्यों बढ़ा रहे हैं उसके? आप जो नेचर है हमारी वो क्यों तबाह कर रहे हैं, अगर सारा कुछ अल्लाह ताला नहीं करना है या मौसम नहीं करना है? इस दफा आपकी पेस्टिसाइड कम स्प्रे हुई, कपास बहाल हो गई, लेकिन बहाली मौसम की वजह से है। कपास पेस्टिसाइड भी कम स्प्रे हुई, कपास बहाल हो गई, उसकी वजह मौसम है। जो तबाह हुई 2020 में, उसकी वजह मौसम है। तो भाई हमारा फार्मर फिर पेस्टिसाइड क्यों स्प्रे करे? तो इस बात की दलील तो आप खुद दे रहे हैं कि बहाली की वजह भी मौसम है और खराबी की वजह भी मौसम है। तो भाई फिर पेस्टिसाइड क्यों? ये रिकमेंडेशन जो बैंक मजरात देता है, ये किस लिए है? जो आपके सेल अफसर जाके कहते हैं कि ये स्प्रे करो, जो इतना बोझ डाला हुआ है, 18-18 स्प्रे, खुदा का खौफ करें भट्टी साहब, जो 18-18 स्प्रे कपास बेचारी पे करते हैं, वो क्यों करते हैं आप? बिल्कुल सही बात। नाज़रीन इकराम, आपने आज का मौजू और उसका जवाब डिस्कशन बड़ी शानदार
मुनीर शहीन साहब की कंट्रीब्यूशन ये हमारे सामने है और इन्होंने बहुत ही नाजुक मौजू छेड़ा ताकि हमारा जिम्मेदार असल बात को समझ सके और उसके तजर्बात में इजाफा हो, मुल्क की पैदावार में इजाफा हो, मुल्क खुशहाल हो। इसके साथ ही मैं अब्दुल लतीफ भट्टी जनाब मुनीर शहीन साहब समेत आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अलकरीम बिल्डर्स एंड घरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज।